के तो वर्ष गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोबारा से लौट आए अपने चैनल पर साथ में लेकर माइनक्राफ्ट की एक और लेटेस्ट वीडियो। तो यार देखो, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वाले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, मतलब कि आज के एपिसोड में हम जो है अपने बड़े बड़े बिल्ड्स बनाने स्टार्ट करेंगे, मतलब कि बड़े बड़े फार्म, जिससे हमको सर्वाइवल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यार देखो, आप मेरा पीछे वाला मेंशन देख पा रहे होगे जो मेरा अभी तक का सबसे बड़े वाला बिल्ड है, और यहाँ से आपको मेरा जो बोन मिल फार्म है वो तो दिख नहीं रहा होगा और मेरा स्टोन स्मेल्टर भी नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, उसे हम जान देते। और पीछे मैंने कुछ ये देखो विलेज टाउन बनाया है। तो यार ये वाला टाउन बनाने के बाद मैंने अभी तक कोई बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं बनाई है। तो देखो, मैं सोच रहा हूँ किसी भी तरह का फार्म बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए होता है वो होता है स्टोन। तो मैं सोच रहा हूँ यार, सबसे पहले जो अपना फार्म होएगा स्टोन फार्म क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम जो अपना फार्म बनाएंगे वो होएगा स्टोन फार्म, और उसको बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत रेसिपी पता है, उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, या फिर अगर वो सेम भी होगा अदर स्टोन स्मेल्टर फार्म की तरह तो कोई बात नहीं, उसको भी हम थोड़ा कस्टमाइज कर देंगे और उसके अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब चलो, यहाँ पर अपनी शाम भी होने आई है, बात करते करते तो फटाफट से हम जो है अपनी डट तोड़ के नीचे चल जाते हैं। वैसे यार देखो, हम कितनी ज़्यादा ऊपर आकर यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। हाँ तो गाइस देखो, सबसे पहले हमें ये जो अपनी डट है वो तोड़ लेनी है, और मैं शवल से तोड़ दूँगा यार, हाथ से तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से थोड़ी सी हो रही है बस, ख़त्म ना। हाँ देखो, ख़त्म ही होगी। तो अब देखो, यहाँ से मैं फटाफट से अंदर चले जाऊँगा और अंदर जाके सबसे पहले सो जाऊँगा। और ये देखो यार, अभी गेम स्टार्ट नहीं हो रही है, हैंग की प्रॉब्लम पहले चालू हो गई। ये मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, ये वाली प्रॉब्लम पता नहीं यार क्यों होती है। हाँ तो गाइस देखो, यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो अपना सल्कर बॉक्स है इसके अंदर से मेरे को यार सामान थोड़ा निकाल लेना था, और ये कुछ ज़्यादा ही नहीं भर रखा। मैं एक काम करता हूँ, देखो जो जो इस समय काम का मेरा कोई भी सामान नहीं है उसको ना सल्कर बॉक्स में रख दूंगा, लेकिन जगह भी तो होनी चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस सल्कर बॉक्स में तोड़ कर ना अपने साथ अपने मेंशन में ले जाता हूँ, और उधर इसका सार के साथ सामान निकाल दूंगा। तो यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं, गेट खोलेंगे और यहाँ से फटाफट से निकल जाएंगे। ये बटन दबाया और यहाँ से निकल गए। हाँ तो और गाइस देखो, आज के दिन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अपना जो स्टोन फार्म होने वाला है वो हम कहाँ पर बनाएंगे। देखो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने ये वाला एक स्टोन स्मेल्टर बनाते हैं, जिसके अंदर हम कोई सा भी स्टोन डालते हैं तो वो स्मेल्ट होकर नीचे की तरफ आ जाता है। कोई सा नहीं, मतलब कोबल स्टोन डालते हैं तो स्मेल्ट हो जाता है। तो देखो, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा ये वाला स्मेल्टर है, मैं जो अपना स्टोन फार्म बनाने वाला हूँ वो इसी के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि जब भी मेरे जो स्टोन है ऑटोमेटिकली बन बन के आए वो डायरेक्ट इसके अंदर गिर जाए, और हमें स्टोन तोड़ तोड़ कर यहाँ पर लाने की जरूरत भी ना हो। तो देखो, मैं एक काम करूँगा, जो मेरा स्टोन फार्म होएगा वो ठीक इसके ऊपर बनाऊँगा, लेकिन थोड़ा बगल से, जैसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा और ठीक यहाँ से ऊपर से, और जो यहाँ से अपने स्टोन गिरेंगे टूट टूट के, उसकी मैं एक पाइपलाइन लगाऊंगा जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी अपने हूपर में, तो ऊपर से डायरेक्ट वो स्मेल्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो देखो, ये अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लान बन चुका है। तो अब देखो, हमें फटाफट से अपना जो सामान है वो इकट्ठा कर लेना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मैंशन के अंदर जाना पड़ेगा। और देखो, ये वाला जो अपना घर है, घर नहीं यार, मतलब इसके अंदर जानवर वानवर मैंने पाल रखे हैं, और देखो इस वाले लामा में तो मैंने अपनी चैट भी लगा रखी है। इसको ओपन करते हैं, देखो तीन इसके अंदर बस जगह है इसको डालने के लिए। तो यार चलो इधर से फटाफट चलते हैं। हाँ तो यार देखो, फटाफट से हम अपने मैंशन के अंदर तो आ गए हैं, और देखो हमारा जो सल्कर बॉक्स है इधर रख देते हैं, और इसका ना जितना भी सामान है वो खाली कर देते हैं फालतू फालतू वाला। और देखो, स्पाइडर आई तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो देखो, जो जो काम का नहीं है उसे बाहर फेंक देते हैं, और ये दोबारा से मेरे इन्वेंटर में आ गई। हाँ तो गाइस देखो, मैंने जो है अपना सर्कल बॉक्स पूरी तरीके से खाली कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास अपने कुछ आर्मर्स वगैरह हैं, और साथ में कुछ डर्ट्स हैं और कुछ ग्लास वगैरह। मैं ग्लास अभी इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि इस समय मेरे को ग्लास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट से अपना सर्कल बॉक्स तोड़ लेता हूँ, अपने पास ले लेता हूँ और चलते बाहर। और रुको, यहाँ तो रात हो गई, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आकर ना सो जाता हूँ, उसके बाद फिर सुबह काम करेंगे। ओके तो यार गाइस देखो, यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो देखो, अभी तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी मेरे को कुछ आइटम वगैरह क्राफ्ट करने हैं, और वो आइटम कुछ पिस्टन्स और कंपोजर वगैरह और कुछ रिपीटर वगैरह, और हमारे पास कुछ रेड स्टोन वगैरह होंगे। और देखो, सबसे पहले मैं अपने जो पिस्टन है वो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ ज़्यादा ही वुड वगैरह चाहिए होंगे। तो वुड देखो मेरे पास से, मैं जितने हैं ना सारे ले लेता हूँ। अब वुड लेने के बाद यहाँ से हम कुछ आयरन वगैरह ले लेते हैं, आयरन अभी देखो इतने ले लेते हैं, देखो ये और बचे ये भी हम ले लेते हैं। और इसके बाद हमें कुछ रेड स्टोन वगैरह चाहिए होंगे, रेड स्टोन शायद से हम यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। हाँ देखो, ये 29 ये देखो 29 में सारे ले लेता हूँ,
और इसके बाद मुझे और कौन कौन सी चीजें चाहिए? हाँ यार गाइस देखो, कुछ कोबल स्टोन भी मेरे को चाहिए होंगे, पिंस्टन के अंदर कोबल स्टोन वगैरह चाहिए होते हैं, तो कोबल स्टोन तो मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, मेरे को कहाँ मिलेंगे? शायद से मैंने बाहर रख रखे होंगे, कोई बात नहीं मैं बाहर से ले आता हूँ। और यार ये देखो यहाँ पर मेरे कुछ गोल्ड ग्लास भी पड़े हुए हैं, मैंने भी उठा लो तो यहाँ रख लूँगा, और कुछ ज़्यादा हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, इसे उठा के रख दूंगा। और जो प्लैंक्स है, प्लैंक्स की मेरे को कोई जरूरत नहीं, प्लैंक्स नहीं ग्लास पैनल यार, मैं प्लैंक्स बोल रहा हूँ इन्हें। चलो कोई बात नहीं, इनकी अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मेरे पास जो कुछ कोबल स्टोन वगैरह है वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टोन ब्रिक्स हैं, ये ले लेता हूँ। और उधर भी मेरे को कुछ स्टोन ब्रिक्स दिखे थे, और इधर से चलो जितने भी मेरे को स्टोन ब्रिक्स मिल रहे हैं सारे ले लेता हूँ। और कुछ स्मूथ स्टोन भी मुझे मिल रहे हैं, ये भी उठा लेता हूँ। यार अपने जो कोवल स्टोन है ना वो बाहर के गार्बेज स्टोर में होंगे, वरना मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम से चेक नहीं करा। वैसे यार यहाँ पर कुछ देखता हूँ यहाँ पर इसके अंदर हैं, यार इधर भी नहीं है देखना, कोवल स्टोन के स्लैब्स वगैरह हैं लेकिन अपने कोवल स्टोन नहीं है। वो मेरे को कहाँ पर मिलेंगे यार? तो देखो मेरे को ऊपर जाकर देखना पड़ेगा अपने स्टोन स्मेल्टर में, तो देखो मैं वहीं पर ही अपने काम करने जा रहा हूँ, तो वहीं पर ही चलते हैं। और यार इधर तो मेरे को कहीं पर भी अपने कोबल स्टोन नहीं मिले हैं, तो यार अब मैं क्या करूँ? देखो मेरे को सबसे पहले ना नीचे जाकर कुछ अपने माइन के अंदर जाकर कुछ खुदाई वगैरह करनी पड़ेगी, उधर से मेरे को अपने कोबल स्टोन लाने पड़ेंगे। और देखो ये वही अपनी माइन है जहाँ से हम नीचे जाते थे, और कुछ लावा वगैरह पूल हमें नीचे मिला था यहीं से ही, तो ये वही वाले। लेकिन मैंने नीचे से कुछ अच्छा इसका काम कर रखा है, तो इसलिए थोड़ी बढ़िया हो गई है अब। तो देखो अब इसको हम और ज़्यादा बढ़िया कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, इसका भी बाद में अब टाइम आएगा, उसके बाद हम इसका भी बिल्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ कोबल स्टोन वगैरह लाने पड़ेंगे, और लाने के लिए हमें नीचे भी जाना पड़ेगा फटाफट से। चलो नीचे जाते हैं, और नीचे यहीं से चलो कूद जाएंगे। और यहाँ से हमें कौन से वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा? चलो इस वाले पर चलकर देखते हैं इधर से क्या आता है। नहीं यार गाइस ये वाला रास्ता अपना माइनक्राफ्ट का, हमें इधर नहीं आना, हमें दूसरे वाले रास्ते पर जाना है। तो इधर से हम फटाफट से निकल जाते हैं, और दूसरा रास्ता हमारा किधर जाएगा? हाँ देखो ये रहा। हाँ यार गाइस देखो मैं यहाँ पर सही जा रहा हूँ, इधर की तरफ ही मेरे को अपना जो लावा पूल है मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक रिवेंज खो दी थी मेरे को, और अभी तक याद है शायद से ये वाला रास्ता है इधर की तरफ। पहले मैं मुड़ जाता हूँ, यहाँ पर है क्या? हाँ देखो वही है, यहाँ पर मेरे को अलग अलग टफ टाइप मेरे को ब्लॉक मिल चुके हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ग्लास वगैरह भी लगा रखे हैं जिसको मैं ले सकता हूँ, और कुछ ऑक्सीडेंट वगैरह भी ऐसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से जो लाभ आया अपने बकेट के अंदर भरकर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ आयरन है, इससे मेरे को बकेट वगैरह बनाने से हमें जो ग्लास है वो बनाना स्टार्ट कर देना। इसकी रेसिपी ऐसी होती है क्या? हाँ देखो अपने जो ग्लास है यहाँ से बन जाएंगे, टोटल में कितने बनाऊँ? और यहाँ पर अपनी जगह है ना, जगह तो यहाँ पर नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, जो अपना सल्कर बॉक्स है इसे यहाँ पर रख देता हूँ, और इसके अंदर जितनी भी अपनी बकेट है वो रख देंगे। तो यहाँ पर हमने बकेट ली, और यहाँ से अपना लावा उठाना स्टार्ट कर दे, एक और लेंगे और है। तो चलो यहाँ पर अपना लावा का काम तो ख़त्म हो चुका है, ये दोनों बकेट भी हम यहाँ पर रख दिख रहे हैं, और इसके अलावा और बकेट तो अपने पास है नहीं ना, आयरन वगैरह। चलो कोई बात नहीं, और तो अपने पास यहाँ पर चीज़ें है नहीं। हाँ तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर जितने भी कोबल्ट स्टोन थे वो मैंने ले लिए। और रुको यहाँ पर ये क्या है? ओ वेट, यहाँ पर देखो कुछ नीला नीला सा कुछ है, फटाफट से देखो मैं यहाँ पर जो अपने ब्लॉक है लगा देता हूँ, ये नीचे नीचे में लगा दूंगा, और इसे भी ढक दूंगा। मेरे को यार ये वाले ब्लॉक चाहिए फटाफट से, ये है क्या? साथ से मेरे ख्याल से ना लैपिस लजूली है। और हाँ यार गाइस ये वही है यार। अब देखो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग गया, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम था। वैसे यार इस चीज़ की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन यार इसकी मेरे पास कमी भी थी, और कभी ना कभी तो यार मेरे काम आ ही जाता है, इसलिए मैंने फटाफट से इसको ले लिया है। तो अब देखो सल्कर बॉक्स अपना तोड़ देता हूँ, और अपने साथ इसे ले जाता हूँ, और आ गया ना मेरे पास। हाँ ठीक है यार, पता चले यार लावा वावा में गिर गया और मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। तो यहाँ से फटाफट से अपने मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। हाँ तो गाइस चलो यहाँ से हम अपना बाहर निकलने वाले हैं, और यहाँ पर हाँ देखो निकल गए, ये अपना मेन एरिया है बाहर निकलने का। और यहाँ पर चलो मैं फटाफट से कोबल स्टोन लगा देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आकर मैं इसकी जितनी भी दिशा सारी की सारी मैं टिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फटाफट से जो अपने प्लैंक है हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और हमें जो अपने कोबल स्टोन है इस तरीके से रखना है। बीच वाला हटाने के बाद बीच में रखेंगे हम अपना आयरन, और नीचे के साइड रखेंगे अपना रेड स्टोन। तो यहाँ पर जो अपना पिस्टन है बनकर तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से देखो कितने बने, दो बने। तो ऐसे करते करते हमें काफ़ी सारे पिस्टन बना लेने, कम से कम 100 के आसपास। ओके तो गाइस देखो यहाँ पर मेरे 100 पिस्टन तो नहीं बन पाए, लेकिन मेरे 81 के आसपास पिस्टन बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं यार, जितने बने उतने अपने लिए ठीक है, और बाद में बना लेंगे। और यहाँ पर यार देखो रात भी होने आई है, तो फटाफट से यहाँ पर सो जाते हैं। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, तो दोबारा से गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो यार देखो यहाँ पर मेरे को फटाफट से अपने मैंशन से बाहर निकलना है, और अब जो अपना स्टोन फार्म है वो मेरे को बनाना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर देखो जो मेरे शुगर केन है वो भी बनना स्टार्ट हो चुका, मतलब पूरा का पूरा उग के तैयार हो गया है।
तो मेरे को यार इसका भी एक फॉर्म बनाना होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, पेपर वगैरह बनाने में, मतलब ट्रेडिंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो देखो जो अपना फार्म होने वाला है वो ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर उधर की साइड। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, इधर से मेरे को ठीक ऊपर की तरफ जाना है, वो मैं कैसे जाऊंगा देखो फटाफट से। तो मैं यहाँ से ना ऊपर चढ़ जाता हूँ, और इधर से मेरे पास कुछ कोबल स्टोन वगैरह होंगे, उसी के सहारे मैं यहाँ से ऊपर चल जाऊंगा। पहले तो देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और इधर से जो मेरे कोबल स्टोन है वो मेरे को यहाँ से लगाते हुए ऊपर की तरफ चले जाना है। हाँ। तो और गाइस देखो मेरे हाथ में इस समय जितने भी कोबल स्टोन थे मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं, और मैं इस समय इतनी हाइट पर आ रखा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं गिरा तो यार मौत मेरी पक्की है। वैसे मैंने अपना सूट पहन रखा है ना। हाँ वैसे पहन रखा होगा, हाँ देखो ये रहा मैंने पहन रखा। कोई बात नहीं यार, अब देखो मेरे को क्या करना। और वेट, यहाँ से देखो मेरा बोन मिल फार्म कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार ऊपर से देखने में। चलो कोई बात नहीं यार, इन चीज़ों को जाने देते हैं। और देखो अब मेरे पास कुछ और कोवर स्टोन वगैरह रखे होंगे, कुछ नहीं यार बहुत सारे रखे होंगे। रुको और नहीं है, अब है यार ये मेरे तो कोवर स्टोन गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं यार, वो अपने हम ढूंढते रहेंगे। तो फटाफट से देखो अपने पास जो ये डर्ट है वो हम ले लेते हैं, और ये डर्ट लेने के बाद हमें यहाँ से कुछ आगे की तरफ जाना। और हमने अपने आप को क्राउच कर लिया ना, हाँ ठीक है क्राउच तो हम हैं। तो यहाँ से देखो हमें डर्ट लगाते हुए आगे की तरफ जाना है। तो मैं क्या करता हूँ कुछ ऐसे में पाँच पाँच की लाइन में आगे चले जाता हूँ। हाँ। तो और गाइस देखो इधर डट लगाने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास कुछ स्टोन वगैरह है, देखो स्टोन ब्रिक से मैं ये ले लेता हूँ। और इसको लेने के बाद देखो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, जैसे मैंने एक यहाँ लगा दिया, और ठीक ऐसे मैंने एक यहाँ लगा दिया, और ऐसे करते करते मैं कितने देखो जैसे 1 2 3 4। तो और देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चार स्टोन ब्रिक्स लगा रखे हैं, वैसे देखो मैंने चार यहाँ पर भी लगा देने हैं। तो यहाँ पर अपने आपको क्राउच करके रखते हैं, कहीं यार पता लगा यहाँ से नीचे अपन टपक गए हैं तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अपने लिए डेंजरस हो सकता है। तो देखो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, और हाँ यार गाइस देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ स्लाइम वगैरह ले लेना है, और जो अपने पिस्टन है यहाँ पर रखने हैं, और ठीक इसके ऊपर जो अपनी स्लाइम है यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ से जो अपने स्टिकी पिस्टन है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो तो यहाँ पर जितने बन रहे सारे ले लेते हैं। हाँ। तो और गाइस देखो यहाँ पर जो अपने पिस्टन है बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला अपना स्टैक ले लूँगा, और यहाँ पर अपना पिस्टन रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे रखूंगा, ऐसे करते करते पूरा का पूरा फिल कर दूंगा। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे स्टोन है वो मैं ले लेता हूँ, और स्टोन को मैं कुछ यहाँ पर लगा दूंगा। रुको पहले तो देखो एक स्टोन मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और यहाँ से मैं देखो ऐसे लगाना इसको स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने एक यहाँ लगा दिया, और ऐसे करते करते इसको पूरी तरीके से फिल कर दूंगा। हाँ। तो और गाइस देखो हमने ये काम भी कर दिया, तो ये वाला जो अपना बीच का फालतू का ब्लॉक है इसे हम तोड़ लेते हैं। और देखो अब यहाँ पर हम कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लाए थे, देखो यहाँ पर हमारे पड़े हुए होंगे कहाँ पर, हाँ देखो ये रे 50 के आसपास है। तो देखो हम इसे ले लेंगे और इसे यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक इसके ऊपर। तो यार देखो ये भी अपने लगकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला प्रोसेस हमें दोबारा से दोहराना है, ठीक इसके ऊपर। वो हम कैसे करेंगे, देखो हाथ में सबसे पहले हमें अपने स्टिकी पिस्टन ले लेना है, और देखो यहाँ पर हमें लगाता हुआ चल जाना। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ से उड़ेंगे, हम यहाँ पर ठीक से आ रहे हैं ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर ये वाला पिस्टन लगा देता हूँ, और सेम टू सेम ऐसे लगाते लगाते ऐसे यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा। हाँ। तो और गाइस देखो मैंने यहाँ पर टोटल इसकी 4 लेयर बना दिया, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी यहाँ पर अपना काफ़ी सारा काम रह रहा है। तो देखो हमें कुछ ग्लासेस वगैरह चाहिए होंगे सबसे पहले, और ग्लास तो अपने पास है, लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेंगे अगर हमने यहाँ पर लगा दें, मतलब सूट नहीं करेंगे यार अपने इस फार्म पर। तो यार देखो मैं काम करता हूँ, इस पर कुछ काली या फिर ग्रे डाई लगा कर आता हूँ फटाफट से। चलो यहाँ से नीचे उतरता हूँ, और यहाँ से नीचे उतरने के बाद यहाँ से डायरेक्ट मैं नीचे चले जाऊंगा। हाँ। तो और गाइस चलो मैं यहाँ पर अपने मैंशन में तो पहुंच ही गया हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी डाई है वो मेरे को ले लेनी है। वैसे डाई तो यहाँ पर, हाँ देखो ये रही टॉप पर पड़ी है 45 के आसपास है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। और जो अपने ग्लास है इन पर मैं ब्लैक डाई लगा देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ। हाँ। तो और गाइस देखो हम मैंने यहाँ पर जो अपने ग्लास है ठीक से प्लेस कर दिया, तो फटाफट से जितने भी ग्लास है सारे के सारे बनाकर चलते हैं अपने वर्क प्लेस पर। चलो तो और गाइस यहाँ पर हम ऊपर पहुंच चुके हैं बड़े ही आराम से। तो चलो और रुको रुको रुको, ये तो यार कुछ ज्यादा ऊंचा हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एक ब्लॉक रखकर यहाँ से फटाफट से ऊपर चले जाता हूँ। हाँ। तो और गाइस चलो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो देखो मेरे को क्या करना है, जैसे ये बीच वाला अपना हिस्सा है, तो मेरे को यहाँ पर जो अपने ग्लास है, ग्लास मेरे को यहाँ पर ले लेना है, और लेने के बाद मेरे को ठीक इसके अगल बगल में ये ग्लास अपने लगाने हैं। तो चलो यहाँ से फटाफट से कोई सा बेकार सा भी ब्लॉक ले लेते हैं। तो देखो अपने डट यहाँ से ले लेंगे, और इसको देखो यहाँ पर लगाने के बाद जो अपना एक ग्लास है अब यहाँ पर लगाएंगे। रुको थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और अब देखो ये अपना जो काम है यहाँ पर पूरा हो चुका है। और देखो सेम टू सेम हमें चारों तरफ ये वाला पैटर्न बना देना है।
हाँ तो और गैस देखो मेरा जो ये वाला काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं नीचे से कुछ वाटर वगैरह ले आया था और मेरे पास ये देखो खाली वाटर बकेट भी है। मैं भर भर के पानी ऊपर से नीचे लाया जा रहा था लाया जा रहा था, और इसको करते करते सच्ची मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और देखो मेरे से एक गलती हो गई थी, जो देखो नीचे जो अपने पिस्टन लगाते वो स्टिकी पिस्टन नहीं लगाते, वो मैं यहाँ पर ये नॉर्मल पिस्टन ही लगाते, और मैंने इतने सारे स्टिकी पिस्टन वेस्ट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो अपने काम आ जाएंगे बाद में, वो मैं आराम से अपने घर के अंदर स्टोर करके आ गया हूँ। तो देखो मेरे को जो पिस्टन बनाते वो तो मैंने बनाकर यहाँ पर लगा दिया है। और देखो अब इतना काम होने के बाद अब मेरे को क्या करना है, ठीक इसका डुप्लीकेट देखो मेरे को थोड़ा सा आगे करके इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। हाँ तो गाइस देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसा मैंने यहाँ पर ये वाला मैकेनिज्म बनाया सेम टू सेम मुझे वहाँ पर भी बनाना है। तो देखो मैंने डुप्लीकेट वहाँ पर बना दिया है। तो अब देखो मेरे को फटाफट से जो लाइन जा रही है, जो मैंने स्टोन ब्रिक्स के यहाँ पर लाइन भेजी है, मेरे को उधर जाना। और देखो यहाँ पर यार मैं गिर गया नीचे से। हाँ तो गाइस चलो यहाँ पर तो मैं आ गया हूँ फटाफट से। देखो जैसा मैंने यहाँ पर ये वाला मैकेनिज्म बनाया सेम टू सेम मैंने वहाँ पर बना दिया है। और वैसे भी मैं उधर इसलिए जा रहा हूँ, मेरे को बचा हुआ काम भी पूरा करना है। वैसे तो देखो यहाँ का काम तो मैंने पूरा कर ही दिया है, लेकिन जो मेरा बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को अपने मैंशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को रेड स्टोन और कंपोजर्स और थोड़े रिपीटर वगैरह भी मेरे को लाने पड़ेंगे। उसी से जो अपना है पूरा का पूरा फार्म है वर्क करेगा, नहीं तो यार अपना फार्म पूरा खराब हो जाएगा, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो फटाफट से चलो यहाँ से एक छलांग लगा तो नीचे कूद जाएंगे बस। और देखो यहाँ पर हम बिल्कुल प्यार से छलांग लगा के नीचे कूद गए हैं। और रुको हमारे पास एक बकेट थी यार से बस, लेकिन यार वो अपने सर्कल बॉक्स में होगा और मेरे को इस समय बिल्कुल भी सर्कल बॉक्स खोलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन यार हाँ गाइस मेरे को अभी याद आया, मेरा इलाइट्रा वो तो मैंने यूज ही नहीं करा, वो अपना कितनी ज़्यादा काम की चीज़ है। मैंने पूरे का पूरे टाइम मतलब दो दो हमारी तीन तीन वीडियो निकल चुकी है और मैंने बिल्कुल भी अपना लाइटर यूज़ नहीं करा है। फटाफट से चलो मेरे को नीचे जाना है, मेरे को बस ज़्यादा डैमेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो अपने लिए यार काम खराब हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कूद जाऊँ क्या, बस मरना नहीं हूँ मरना नहीं हूँ, बच गया। एनीवेज यार गाइस चलो फटाफट से अपने मैंशन के अंदर चलते हैं और यहाँ से अपना इलाइट्रा और कुछ रिपीटर और कंपोजर भी बना लेंगे। इलाइट्रा नहीं बनाएंगे, इलाइट्रा तो यार अपना खुद का रखा हुआ है। वैसे इलाइट्रा बनना होता तो यार ये इतना फेमस नहीं होता यार, इतना ज़रूरी नहीं होता। हाँ तो और गाइस देखो अपने यहाँ पर सिर्फ चार ही कंपोजर बने। चलो कोई बात नहीं, इनको हम अपने सर्कल बॉक्स के अंदर रख देंगे, लेकिन यहाँ पर जगह ही कहाँ है। सबसे पहले तो अपने स्लाइम निकाल लेते हैं यहाँ से, और जो डाई है ये भी निकाल लेते हैं। पड़े ना पड़े तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और देखो अब मैं क्या करूँगा, जो अपना स्टोन है इसके अंदर डाल दूंगा, और ये जो अपना कंपोजर रिपीटर है वो मैं यहीं पर ही रखूंगा, मैं अपने सल्कर बॉक्स के अंदर ही डालूंगा और स्लाइम में ऐसे रख दूंगा। चलो कोई बात नहीं यार, इसे बाद में सेट करेंगे। और रॉकेट तो अपने हाथ में ले लूँगा। और चलो फटाफट से पहले सो जाते हैं, उसके बाद अपने विलेज टाउन चलेंगे अपने लाइटर को रिपेयर करने। ओके तो यार गुड मॉर्निंग आप सभी को, यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो चलो फटाफट से मेरे को जाना है अपने विलेज टाउन। तो यहाँ पर हमने गेट खोला और ये देखो यार एक स्माइल हमें नज़र आ रही है यहाँ से देखने में, जो अपना स्टोन फार्म है स्माइल जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार देखने में। चलो फटाफट से अपना लाइटर पहन लेते हैं। तो चलो इन बातों को जाने दो और फटाफट से हम उड़ते अपने लाइटर को लेकर, यहाँ हमने लगाई प्यार जी छलांग और ये उड़ गए इसके साथ। तो ये देखो अभी यहाँ पर हम इतने दिनों बाद अपने लाइटर के साथ यहाँ पर उड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन उड़ने के साथ साथ ये हैंग भी कर रही है, तो फटाफट से नीचे उतारना, नहीं तो अगर कहीं से भीड़ भुड़ा गए तो और दिक्कत हो जाएगी। और ये अपनी इतनी प्यारी लैंडिंग है, देख रहे हो बिल्कुल फैंस गेट के अंदर से होकर आया हूँ मैं। तो यहाँ पर अपना एनविल कहाँ है सबसे पहले तो यार मुझे वही ढूंढना है यार। यहाँ तो वैसे मेरे को मिल नहीं रहा, वैसे वहाँ पर भी नहीं है। हाँ देखो अंदर की साइड में रखा हुआ है अपने इंचार्टिंग टेबल के पास। तो यहाँ पर चलो जो मेरा इलाइट्रा है वो मैं रखवा दूंगा, लेकिन इलाइट्रा अपना है कहाँ। देखो मेरे को यहाँ से फटाफट से अपना इलाइट्रा ले लेना, ये रहा इलाइट्रा। और इलाइट्रा यहाँ रखने के बाद अब यहाँ रख देंगे हम अपना फैंटम मेमोरिन, और ये अपना इलाइट्रा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो देखो अब फटाफट से हम यहाँ से बाहर निकलना है, और यहाँ पर चलो अपने विलेजर अच्छे तरीके से काम करे, तुम ऐसे काम करते रहो। और अंदर विलेजर कहाँ जा रहे, अच्छा 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 यार कोने कोने में दबे पड़े और थोड़े बहुत पीछे की तरफ होंगे विलेजर, तो यार मेरे काफ़ी सारे हो चुके हैं इधर। अब बस हमें बस एक प्यारी सी छलांग लगानी है, वो हम ऐसे करेंगे और उड़े, और यहाँ से अपना रॉकेट हमने एक्टिवेट कर दिया। तो ये देखो अब हम यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने स्टोन फार्म पर पहुँच जाएंगे, बस यार सीधे तरीके से पहुँच जाएँ। हाँ तो यार गाइस देखो इतनी देर की मशक्कत के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल प्यारी तरीके से लैंड हो चुके हैं। तो चलो यार अपना सिर्फ एक ही अपना रॉकेट बचा है, अपने नीचे उतरने में अपने काम आएगा, तो इसे हम आराम से संभाल के रख लेते, कहीं पता चला यार काम करते करते ये चल जाए। तो यार देखो अब मेरे को अपना ये मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर रेडस्टोन चाहिए होंगे, तो रेडस्टोन तो चलो मेरे पास ये है। और देखो अब मेरे को इसे कैसे लगाने वो आपको पहले बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपना जो रेडस्टोन है वो मैं ऐसे करते करते पूरा लगा दूंगा यहाँ पर,
यार गाइस देखो, जैसे मैंने यहाँ पर पूरी एक लाइन में लगाया वैसे मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। हाँ तो गाइस चलो, यहाँ पर मैंने पूरे लेयर में ये रेडस्टोन डर्ट मैंने लगा दिया, तो चलो यार फटाफट से यहाँ से नीचे उतरते हैं। और अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, ये जो रेडस्टोन मेरी डर्ट है यहाँ मैं रख दूंगा, और यहाँ से ऐसे करते करते मेरे को आगे की तरफ ले जानी है। हाँ तो और गाइस चलो, मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरे से रेडस्टोन से कवर कर दिया, और बीच बीच में मैंने रिपीटर भी लगा दिया ताकि जो अपने रेडस्टोन की पावर है वो वीक ना पड़े। तो यार देखो, अब मेरे को क्या करना है फटाफट से, देखो मेरे को उधर ही जाना है क्योंकि जो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट है वो वहीं से ही होगा। चलो यार गाइस, यहाँ पर तो हम पहुँच गए हैं, तो देखो अब मेरे को क्या करना है फटाफट से, इसको मैं चेक करना है कि ठीक से काम कर रहा है फिर नहीं। हाँ तो यार गाइस चलो, अब हमें देखना है ये रेड स्टोन लगा कर कि ये अपना पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है फिर नहीं, तो हम यहाँ पर ये लगाते हैं। और चलो यहाँ पर आते हो, रुको ये अपने एक्टिवेट क्यों नहीं। अरे हाँ यार गाइस, रुको 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 यार, मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए कोई भी रेड स्टोन के लाइन नहीं दिए, इसलिए यार अपने चल नहीं पाए, लेकिन वहाँ तक तो अपनी पावर बिल्कुल सही से पहुँच रही है। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट करने में क्या आता है, वहाँ पर एक बार जाकर टेस्ट करते हैं। हाँ यार गाइस देखो यार, मेरे को अभी याद आया, जो मेरा सल्कर बॉक्स है वो अपने मैंशन के अंदर है यार, मैं वहीं पर ही भूल गया। तो चलो फटाफट से मेरे को अपना लाइटर पहन लेना, वैसे यार मैंने पहन ही रखा है, मैं फटाफट से अपना जो रॉकेट हाथ में ले लेता हूँ और वहाँ जाकर अपने एक्स्ट्रा और रॉकेट और बना लूँगा। तो यहाँ से अपनी जंप लगाते हैं और रॉकेट कर लेते हैं एक्टिवेट। हाँ तो और गाइस देखो, ये रहा अपना सल्कर बॉक्स, मैं यार यहाँ से उठा कर ले जाना ही भूल गया था। चल भाई आज अब तू मेरे पास, और देखो अब मैं फटाफट से यहाँ पर खाना खा लेता हूँ और अपने रॉकेट भी फटाफट से बना लूँगा। तो यार देखो, रॉकेट बनाने के लिए मेरे को सिंपली यहाँ से पेपर चाहिए और अपने गन पाउडर मुझे चाहिए, और उसके बाद मैं अपने हाथ में ऐसे बना लूंगा, हाथ में नहीं मतलब जो अपनी नॉर्मल इन्वेंटरी होती है इसके अंदर बन जाएगा। मेरे को बस ये गन पाउडर और ये पेपर एक साथ रखने, और यहीं पर ही अपना रॉकेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और कितने, चलो 21 अपने बन गए, तो इनको हम ले लेते हैं, और पेपर और गन पाउडर दोनों को यहाँ पर रख देते हैं। और यार पेपर की कमी मैं देख रहा हूँ अपने को होती जा रही है, तो मेरे को यार शुगर केन को तोड़ना पड़ेगा और उसको भी यार फार्म वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि अपने पास पेपर की कमी ना हो पाए और हम आराम से अपने विलेजर से ट्रेडिंग वगैरह भी कर पाए। तो यार चलो, अब यहाँ पर अपने पास ये रॉकेट भी आ चुके हैं, एक हाथ में अपना खाना है एक हाथ में अपना रॉकेट है। तो यार चलो ये रुको यार गाइस, जाने से पहले फटाफट से सो जाता हूँ क्योंकि यार रात को मॉब्स ना बिल्कुल भी काम करने नहीं देते, तो यहाँ पर फटाफट से सो जाता हूँ और सुबह उठ के काम करेंगे। ओके तो यार आप लोगों को गुड मॉर्निंग, दोबारा से यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो यार देखो, अब मेरे को फटाफट से बाहर जाना है और बस यहाँ पर यार मॉब्स वगैरह ना हो, ज्यादातर क्रीपर क्रीपर यार एकदम से सामने आकर ना पूरे फट जाता और दिमाग खराब हो जाता है। फटाफट से यार खाना खाता हूँ, थोड़ा सा अपना हंगर बार बचा हुआ बस। और अब अपने हाथ में जो इलाइट रहा वो हमें अपने लेफ्ट, रुको ये हमें कौन मार, ओ उत्तरी यार हमारे पीछे देखो क्रीपर आगे फटा है। ओ यार बच गया वो तो यार, सही है हमने अपना आर्मर पहन रखा था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये वाला सम अपना ठीक कर देंगे बाद में, इसको भी ऐसे रहने देते हो। तो यार चलो, अब मेरे को क्या करना है, तो यार अब हम अपना उड़ने के लिए तैयार है, यहाँ से हमने मारी प्यार सी जंप और ये उड़ गए हम। चलो फटाफट से बस मेरे को यहाँ पर ठीक से उतरना है, टकराना नहीं है टकराना नहीं है टकराना नहीं। और चलो यहाँ पर मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना लैंड कर चुका हूँ, और यार नहीं नहीं नहीं, मेरे को लाइटर अपना पहन के रखना है, लाइटर है यार मैं जब मर्जी नीचे गिरने से बच सकता हूँ। चेस्ट प्लेट तो यार हम आराम से पहन कर रखेंगे बाद में, फटाफट से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और हाँ, अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो यहाँ का सबसे पहले मैं काम करना स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, मेरे को बस अपना जो सल्कर बॉक्स है वो रखने की जगह ढूंढने, सबसे पहले यहाँ आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद सल्कर बॉक्स मैं जो यहाँ पर रख देता हूँ। अब अपने इन्वेंट्री में से निकालूंगा फटाफट से अपना सल्कर बॉक्स, यहाँ रखूंगा, और उसके बाद इसके अंदर से अपने स्टोन से काम चला लेते। तो यार चलो, स्टोन तो हमने ले लिए हैं, अब देखो हमें क्या करना है, एक एक स्टोन हमें बिल्कुल सही जगह पर प्लेस करना है। तो यार देखो, फटाफट से मेरे को इधर आ जाना है और ठीक इस फेंस के ऊपर मैं अपना ये स्टोन प्लेस कर दूंगा। हाँ तो गाइस चलो, इतना काम होने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऊपर से एक लावा का फ्लो गिराना है, और वो कैसे गिराऊंगा वो रुको आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और एक बार इसको बंद कर देता हूँ। हाँ तो गाइस चलो, यहाँ पर बंद करने के बाद जो अपना वाटर का फ्लो था दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे को ये वाला अपना काम यहाँ पर करना था, और मैं यहाँ पर क्यों गिर गया यहाँ पर। तो यार मैं आपको एक वाटर फ्लो के बारे में बता रहा था, सॉरी लावा फ्लो के बारे में, वो मेरे को कैसे बनाना है। तो यार देखो, तो सबसे पहले मेरे को अपना लावा फ्लो बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़े स्टोन वगैरह प्लेस करने पड़ेंगे, और स्टोन शायद से ज़्यादातर इसके अंदर ही होंगे। मैं स्टोन ले लेता हूँ नॉर्मल, बाकी स्टोन ब्रिक्स तो अपना बाद में लेते रहेंगे। और रुको, जो अपना सल्कर बॉक्स है ना, ये भी मैं उठाकर ऊपर चल देता हूँ, यहाँ मैंने तोड़ा और आ गया ना। हाँ चलो, नीचे नहीं गया वो तो सही है, अगर मेरे इस समय इन्वेंट्री भरी हुई होती तो यार वो नीचे जाता फिर। तो अब देखो मेरे को क्या करना है, जो स्टोन इनको ले लेकर मेरे को फटाफट से ऊपर जाना है। हाँ तो गाइस चलो, यहाँ पर जो अपने स्टोन की लाइन थी जो मेरे को ऊपर लगानी थी वो मैंने पूरी तरीके से बना दी है, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आई है क्योंकि यार ऊपर से नीचे की तरफ बिल्ड करने में यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है।
और ये दिक्कत ज्यादा तब होती है जब हम कुछ ज्यादा ऊंचाई पर काम कर रहे होते हैं। तो यार चलो इस समय उन्हें जैसे तैसे कर कर ये काम तो कंप्लीट कर ही दिया है। तो यार देखो मेरे को क्या करना, मेरे को फटाफट से जो अपने लाभ आए जो मैं नीचे अपने केव से लेकर आया था वो मेरे को फटाफट से निकाल लेना साथ साथ सल्कर बॉक्स में। यहाँ वैसे मैंने सल्कर बॉक्स के अंदर ही रखा था, फटाफट से मेरे को जो अपने सल्कर बॉक्स है यहाँ पर रख देना है। और रुको थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, रहा अब मेरे को फटाफट से जो लावा मेरे को सारा का सारा लावा ऐसे निकाल लेना। देखो मेरे को चार चार लावा या फिर चलो मैं सार निकाल लेता हूँ, चार चार क्या जितने भी सारे फटाफट से अपने हाथ में ले लेता हूँ। और अब ये देखो जो मेरे हाथ में बेकार बेकार सी चीज़ें सारी की सारी मैं अपने इन्वेंट्री में रख दूंगा और लावा ले लूँगा अब अपने हाथ में, क्योंकि अब ज़्यादातर जो अपना काम है वो लावा का ही है। और अब इसके बाद ये जो अपना सल्कर बॉक्स है इसे मैं तोड़ कर अपने पास ले लूँगा। और आ गया ना, तो देखो फटाफट से मेरे को जो करना है यहाँ पर जो अपना लावा है ऐसे मेरे को रख देना और बस ये यहाँ की तरफ आ जाए तो अपना काम ठीक हो जाएगा। हाँ देखो आ गया, अब बस इधर की तरफ ही गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा ये मेरे को नहीं पता। नहीं यार गाइस ये इधर की तरफ नहीं गिर रहा, देखो मेरे साथ सही निकला। तो मेरे को क्या करना है, इधर भी अपना लावा गिरना है और अभी यहाँ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नीचे जाएगा। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर भी अपना लावा लगा देना है और ये इसको नीचे जान दो। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को ऊपर जाना और ऊपर जाने के बाद उस साइड भी मेरे को ऐसी लावा लगा देना लावा की। लेकिन जो एक अपनी खाली बकेट है, तीन बकेट अपनी खर्च हुई है, तो देखो तीनों बकेट मैं ऐसे इधर रख दूंगा अपनी और सिर्फ तीन बकेट निकालूंगा। इससे मेरे को आइडिया हो गया है कि इधर मेरे को सिर्फ तीन बकेट लावा लगेगा। हाँ तो और गाइस यहाँ पर तो मैं नीचे आ गया हूँ और अब देखो आपको बिल्कुल बढ़िया सा नज़ारा दिखा, तो यहाँ पर चलते हैं और चलने के बाद मेरे को बस इधर जाना है, बिल्कुल प्यार से गिरूँ ना बस और अपने आप को कर लेता हूँ क्राउच। और ये देखो ये देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को यार, बस ऊपर वाले वो ब्लॉक तोड़ना वो मैं तोड़ना भूल गया। तो चलो फटाफट से मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ और लगाने के बाद रुको ये वहाँ से अपने स्टोन प्रोड्यूस कर रहा होगा। और रुको जितने मैं स्टोन प्रोड्यूस करेगा मैं यहाँ से निकालने के बाद दोबारा यहाँ पर लगाऊंगा और दोबारा तोड़ दूंगा, फिर दोबारा लगाऊंगा, फिर दोबारा तोड़ दूंगा। और यार गाइस अब इतना बार तोड़ना और लगाने के बाद अब हमें जाना वहाँ पर और हमें चेक करना कि अपने जो स्टोन है वहाँ पर प्रोड्यूस हुए भी हैं या फिर नहीं। तो चलो वहाँ पर चलते हैं और एक बार देखते हैं। और ये देखो यार अपना इतना ज़्यादा बढ़िया स्टोन जनरेट यहाँ पर हो रखा है। और ये देखो यार देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हमारे नीचे जो स्टोन ब्रिक्स थे वो भी इसके साथ आगे आ गए हैं। चलो यार कोई बात नहीं, शाम दे से तो हम बाद में निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें अपने इस स्टोन फार्म को ऑटोमेटिक बनाना है तो यार उसके लिए हमें एक अलग सा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो हम बनाएंगे आने वाली वीडियो में। तो यार चलो फटाफट से आपसे पूछ लेता कि ये वाली वीडियो मतलब कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो यार देखो अगर आपको आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ नीचे तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कर देना और अपने दोस्तों फ्रेंडों को भी शेयर करना। और बताना यार इतना बढ़िया गेमिंग चैनल है इसको भी यार सब्सक्राइब करो, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ाओ यार, आप ऐसे करोगे क्या। वैसे हाँ आप थोड़े जनों के अपने कमेंट आ रहे हो और मैं एक काम करूंगा, जैसी आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा है उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट देना भी शुरू कर दूंगा, जो जो बंदा मेरे को कमेंट करेगा अच्छे अच्छे। तो यार चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता आने वाली वीडियो में। और आने वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर ये जो अपना स्टोन फार्म है उसको हम पूरा बना देंगे और इसको ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर देंगे। तो यार चलो मिलता आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।